कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश पर 70 सालों तक राज किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 2022-23 में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अब इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का भी दौर शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी। दरअसल 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई उनकी इस यात्रा पर कुल 71.80 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा उस समय 145 दिनों तक चली थी और भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। कांग्रेस की यात्रा पर औसतन रोजाना 49 लाख रुपए का खर्च आया था। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्वाचन आयोग के पास दाखिल लेटेस्ट एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उसने 2022-23 में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर 40,10,15,572 रुपए खर्च किए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कांग्रेस पार्टी का चुनावी खर्च 192.5 करोड़ रुपए से अधिक था। राहुल गांधी की रोजाना की यात्रा पर लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आया। उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में प्रति किलोमीटर 1.59 लाख रुपए खर्च हुए। आपको बता दें कि ऑडिट की इस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जबकि 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव लड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कांग्रेस को 452.30 करोड़ रुपए का चंदा मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प खुलासा भी हुआ है। एक रिपोर्ट की माने तो पार्टी का खर्चा उसे मिलने वाली इनकम से ज्यादा है। कांग्रेस का कुल खर्चा 2021-22 और 22-23 के बीच 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 467 करोड़ रुपए हो गया। 2021-22 में कांग्रेस की आय 541 करोड़ रुपए से घटकर 2022-23 में 452 करोड़ रुपए तक सिमट गई। आपको बता दें कि पार्टी को मिलने वाले चंदे में 2021-22 के 347 करोड़ की तुलना में 2022-23 में करीब 80 करोड़ रुपए की गिरावट आई। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा चंदा अभियान का भी शुरुआत किया गया था। आपको बता दें कि इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है जो कि इस समय झारखंड में है। इसी बीच उनके पहले की यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो खर्च हुआ है उसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है और इसमें बताया गया है कि उस दौरान 145 दिनों तक चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोजाना लगभग 49 लाख रुपए का खर्च आया था और पार्टी को जो चंदा मिला उससे ज्यादा खर्च पार्टी ने अपने दौरे के दौरान और अपने इस यात्रा के दौरान किया। यानी कि कांग्रेस का जो खर्चा है वो उसको मिलने वाले चंदे से अधिक है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।